Hey guys and girls, welcome back to our channel Fit Family Blogs. Hope you all are doing good. So guys, आगे बढ़ने से पहले और आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग आज इस चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आज इस ब्लॉग को देखने जा रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब Fit Family Blogs, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल पर मिलने वाले मेरे ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा. चैनल पर रेगुलर मेरे वर्कआउट के शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब फिट फैमिली ब्लॉग्स. आपको एक रेड बटन दिखेगा, उसे आप प्रेस कीजिए और उसे ग्रे कर दीजिए, और उसके नीचे आपको एक बेल दिखेगी, वो भी आप दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए. और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं, गाइज, आप लोग जब ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने टाइम में से इतना सा टाइम निकाल कर ब्लॉग्स को लाइक भी कर दीजिए. इससे आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं. तो प्लीज़ जब आप ब्लॉग्स देखें और आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए उन ब्लॉग्स को. चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं. अभी बज चुके हैं सुबह के 6:45, और गाइज अभी तो मेरी ऑनलाइन योगा क्लास का टाइम हो चुका है. जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को देखने जा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑनलाइन योगा क्लासेस और वर्कआउट ट्रेनिंग क्लासेस. और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट PCOD, PCOS, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. और कॉन्टैक्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट चेक कर सकते हैं. वहाँ पर आपको मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप DM कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट वेट लॉस, फैट लॉस, PCOD, PCOS, एनी फिजिकल प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर और ऑन दैट प्रोफाइल. यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन DM मी. तो चलिए पहले तो अपनी ऑनलाइन योगा क्लास कर लेते हैं. आज मेरा कार्डियो का सेशन है, और कार्डियो का सेशन मेरा भी फेवरेट है, मेरे क्लाइंट्स का भी फेवरेट है. बहुत एनर्जेटिक होता है और बहुत अच्छा फील करते हैं आफ्टर डूइंग कार्डियो. तो चलिए चलते हैं, पहले कार्डियो करते हैं, देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिवील करूँगी कि आज का ब्लॉग क्यों बनाया गया है. तो चलिए. गाइज, यहाँ पर जो ओरिजिनल म्यूज़िक हमने कार्डियो के लिए यूज़ किया था, क्योंकि कार्डियो जो है वो बिना म्यूज़िक के जोश आता ही नहीं. म्यूज़िक चाहिए चाहिए होता है, जोश चाहिए चाहिए होता है कार्डियो के लिए. तो जिस दिन कार्डियो का सेशन होता है हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं, बट क्योंकि यूट्यूब पे कुछ कॉपीराइट वगैरह आने का कुछ चांसेस होते हैं, इसलिए मैं ओरिजिनल म्यूज़िक यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ जो मैंने वर्कआउट के टाइम यूज़ किया था. सो गाइज, अभी बज चुके हैं सुबह के 8:15, और अभी अभी आपने मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस के कुछ क्लिप्स देखे. तो मेरी ऑनलाइन योगा क्लास जो है वो हो चुकी है, और फाइनली अब मैं आप लोगों को रिवील कर ही देती हूँ कि आज का ये ब्लॉग क्यों बनाया जा रहा है. और मेरा ये गेटअप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये ब्लॉग कोई वर्कआउट से रिलेटेड ब्लॉग नहीं है, कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, बल्कि आज का ये ब्लॉग मेरे बहुत ही स्पेशल डे के सेलिब्रेशन का ब्लॉग है. आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही
बहुत ही स्पेशल है और मेरे लिए क्या आज का दिन सभी गर्ल्स के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज मेरी 7th वेडिंग एनिवर्सरी है। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। बस मेरा ये जो वेडिंग एनिवर्सरी का डे है वो कुछ गर्ल्स से हटकर है। आज के दिन सभी गर्ल्स के हस्बैंड उनके साथ होते हैं, उनके साथ मिलकर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं भी हो वो अपना आज का दिन तो कम से कम एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, बट मेरे साथ ऐसा भी नहीं है। मेरा ये दिन हमेशा ही मेरे हस्बैंड से दूर रहकर ही सेलिब्रेट होता है। और ये कोई आज का नहीं है, इन 7 सालों में हमने सिर्फ एक बार अपनी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट की है। लास्ट का जो ईयर था 2021, तब हमने अपनी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट की थी। उसी कुछ क्लिप्स आप आगे देखोगे। जब सांसें भरूं मैं बंद आंखें करूं मैं। जो लोग मेरे डे फर्स्ट से सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं, 6 मंथ के लिए आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं। और हमारा ये वेडिंग एनिवर्सरी का डे जो है वो ऐसे ही दूर दूर रहकर सेलिब्रेट होता है। और ये दूरियां भी कुछ ऐसी होती हैं कि अगर धरती के एक किनारे पर मैं हूँ तो धरती के दूसरे किनारे पर वो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूरियाँ रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं भी हैं आप, किसी भी जगह पर हैं, अगर आपके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग है, अगर आप दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई दूरियां मैटर नहीं करती। तो हमारे लिए भी ये दूरियां मैटर नहीं करती, बट कहीं ना कहीं फील होता है कि अगर साथ होते तो ये दिन एक साथ सेलिब्रेट करते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो प्रोफाइल ऐसी ही है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ता है हर हालत में। कहते हैं ना कि अगर आप आज सक्सेस हो तो उसके पीछे आपका हार्ड वर्क होता है, आपके बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस हैं जो हमें इस जॉब के लिए करने पड़ते हैं, पर अल्टीमेटली हम बहुत खुश हैं। क्योंकि आप कहीं भी हो, आप लोग खुश होने चाहिए, आप लोगों का साथ एक दूसरे के साथ होना चाहिए। और ये दूरियाँ कुछ ही टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि जब साथ होते हैं तब भी वो टाइम भी बहुत खुशी का होता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई, ऐसे में कभी होती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रहना होता है। अगर जो भी गर्ल्स मेरा ब्लॉग देख रही हैं, अगर वो एक सेलर की वाइफ हैं, अगर उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं, तो आज मेरी वो फीलिंग्स यहाँ समझ पाएंगी कि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, कितना भी आप कोशिश कर लो खुश रहने की, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा मोमेंट होता है कि जब आप थोड़े से वीक पड़ते हो। और ये कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है, पर वो जहाँ भी हैं मेरे साथ हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि इसी तरह से हम खुश रहें, एक दूसरे के साथ रहें, कहीं भी रहें पर हमारा प्यार बना रहे। तो और अब जब आप लोग मेरी फैमिली से जुड़ चुके हैं, मुझसे जुड़ चुके हैं, तो आज का ये दिन मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहूँगी। जितना भी हो सकेगा, जैसा भी हो सकेगा, हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का ये दिन हमारे घर पे पूजा रखी गई है हमारी एनिवर्सरी के लिए, तो सबसे पहले हम हवन करेंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये दिन। और यहाँ पर मैं और मम्मी मिलकर हवन के लिए जो प्रसाद चाहिए वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। हवन के लिए पूड़ी और हलवा,
और इसके साथ साथ खीर चाहिए होती है। और कुछ गेस्ट आज आने वाले हैं तो उनके लिए हम खाना भी पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हवन में फिर इतना टाइम नहीं होगा, बाद में हवन के लिए कुछ ज़्यादा लंबा टाइम चला जाता है तो इतना टाइम नहीं होगा लंच बनाने का, तो वो भी हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी मम्मी की गुगली हो चुकी है, एक्चुअली मम्मी को याद ही नहीं रहा कि आज हमारी एनिवर्सरी है, थोड़ी देर के बाद मम्मी को याद आया तो वही डिस्कशन यहाँ चल रही है। वो आपको इनको सेंड कर दिया, वो वाला मैसेज जो मतलब मुझे करा था कि हैप्पी एनिवर्सरी और आई लव यू, और वो इनको भेज दिया हैप्पी एनिवर्सरी रसना, मतलब इनका इनको भेज दिया, और जो मेरा था वो भी इनको भेज दिया। फिर कह रहे कि लो मम्मी की विशेज भेज दो आपको, मैं क्या मम्मी की विशेज आपके पास कहाँ से पहुंची, मैं क्या मेरे पास आती ना, तो मेरे पास भेज दी गलती से ये, क्योंकि हम ना वेट कर रहे थे कि जब 12 बजेंगे तो बात करेंगे दूसरे से, तो फिर भी हमने 12 बज के, क्योंकि वही है मेरे को भी नींद आ रही थी, मेरे को भी ये था सुबह जल्दी उठना और उनको भी अपना काम था, है तो 12:05 पहले हमने एक दूसरे से बात करी, तो पहले तो हमें मैसेज ही मिले ले मम्मी तो अपना काम निपटा दिया, मम्मी तो घर घूर के सो गई और मम्मी ने आपके नाम का भी मुझे भेज दिया, और सुबह चाहे भूल भी जाए ध्यान उसमें था ना भाई सच में। हाँ चलो कोई नहीं। और ये है वो सारा प्रसाद जो हमें हवन के लिए चाहिए, ये मम्मी ने बनाकर यहाँ पर रेडी कर दिया है। हलवा पूरी खाओ चलो। और अब मैं यहाँ पर, क्योंकि लंच भी प्रिपेयर होना है साथ साथ, तो मैं यहाँ पर उसी की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। हम आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। जब तक पोटैटो बॉयल हो रहे हैं, जब तक मैं डो लगाकर तैयार कर रही हूँ, ताकि जब तक डो जो है मेरा तैयार हो जाए। डो रेडी हो चुका है और अब जो पोटैटो बॉईल किए गए थे उन्हीं का जो छिलका है वो मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। और क्योंकि आज घर में हवन है तो हम सात्विक खाना ही आज के दिन प्रिपेयर करते हैं, कुछ भी खाने में जैसे गार्लिक या फिर जो प्याज होता है वो हम नहीं डालते हैं, सिर्फ जो जीरा है, हल्दी है और टमाटो है, इन सब के साथ ही हम अपना जो ग्रेवी होती है वो रेडी करते हैं सब्ज़ी की। तो यहाँ पर मैं पहले पोटैटो मैश कर लूँगी सब्ज़ी के लिए, और उसके बाद सिंपली ऑयल लेना है, उसमें ज़ीरा डालना है, और ज़ीरा डालने के बाद हल्दी एंड टमाटो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज हम प्याज और गार्लिक नहीं यूज़ करेंगे। और जब तक मेरी सब्ज़ी यहाँ पर रेडी हो रही है तब तक मैं रायता बनाऊंगी, और रायते के लिए हमने इस तरीके की हांडी का, जो मिट्टी की हांडी है ये यूज़ की है, बहुत ही अच्छी इसमें दही जो है वो बनकर रेडी होती है और एक अलग ही टेस्ट आता है। और साइड बाय साइड मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो रही है, और अब यहाँ पर मेरा रायता भी बनकर रेडी हो चुका है। और ये है हवन के लिए यूज़ होने वाली सामग्री, ये कुछ घी के डिब्बे हैं, दोनों में से कोई नहीं। और यहाँ पर हमारे जो गेस्ट आने थे वो भी आने शुरू हो चुके हैं। ये जो हवन सामग्री है इसमें ये क्या क्या डाला है आपने, बताएंगे आप कुछ इसके बारे में थोड़ा सा? मैंने इसमें घी डाला है और अखरोट वगैरह, मखाने और सभी काजू किशमिश ये सब डाले, नारियल, चावल, उड़द, शक्कर। तो जैसे ये चावल, उड़द और ये सब कुछ तिल वगैरह डाला है, तो मतलब इसका डालने का रीजन क्या है? जैसे कुछ कहते हैं ना कि पांच कुछ चाहिए, सात हमारे तत्व उनको मिलाकर बनता है। अच्छा, सात तत्वों को मिलाकर। तो इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब सात तत्व जैसे ये मिलाए जाते हैं तो इसका कारण क्या है? मिलाकर मिल जाते कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि इसमें हमारी सभी प्रकार की जो वो होती है जड़ी बूटियाँ उसको मिलाकर बनती है, इसका इसमें डाला जाता है। बताना कितना डालना है? बीस मिनट।
और ये अब हवन के लिए हमारे घर के चिराग, हमारे घर के स्पेशल सदस्य, हमारे चैम की एंट्री हो चुकी है, जो सबसे पहले अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहा है और अब हम हवन में बैठेंगे इसके बाद सभी लोग। गाइज ये जो हवन है वो आरएस माज के नियमों के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये हवन हो रहा है, क्योंकि मेरा जो ससुराल है उसने आरएस माज को फॉलो करते हैं, आरएस माज के धर्म को फॉलो करते हैं, तो इसी वजह से ये हवन जो है वो उन्हीं आरएस माज के द्वारा ही ये हवन करवाया जा रहा है, तो उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ही हम ये हवन कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हमारा हवन जो है वो संपूर्ण हो चुका है और यहाँ पर अब घी की पूर्ण आहुति दी जा रही है। अब हवन संपूर्ण हो चुका है और हवन संपूर्ण होने के बाद अब हम हवन का आशीर्वाद लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हवन का हम आशीर्वाद लेने के बाद इसे अपने बॉडी के सभी पार्ट्स पर, ऊपर से लेकर सभी बॉडी पार्ट्स पर हम इसे ग्रहण करेंगे इस हवन के आशीर्वाद को, ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सभी, अगर कोई भी कष्ट है, कोई दुख है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस हवन में, जैसा कि मैं पहले भी बताया है, इसमें 7 तत्व होते हैं जो हमारे आसपास की जो एयर है उसकी उसकी प्योरिटी के लिए, उसकी शुद्धि के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो इस हवन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। बल दीजिए वीर की बोले बिचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्व में धारिक रचाए यज पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित श्रद्धा भक्ति से यज आदि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम बध विस्तार हो का सारेक में बहवार हो हाथ जोड़े वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए
छोड़ दे वे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए प्रभु, मानसिक बल दीजिए। अब हवन समाप्ति के बाद मैं सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद लूंगी, और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं मम्मी और डैडी, क्योंकि अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, जो भी छोटे जो घर के मेंबर होते हैं वो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं हवन समाप्ति पर, तो वही आशीर्वाद यहाँ पर लिया जा रहा है, और जरूरी भी होता है उनका आशीर्वाद, उनका प्यार बना रहे। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के। अब हवन हो जाने के बाद हमारा लंच हो चुका है, और अब आप यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन कर रही है। आपकी सिस्टर इन लॉ का रोल जो है आपकी लाइफ में एक फ्रेंड की तरह होता है, जिससे आप अपनी सभी बातें शेयर कर सकते हो, और इसका और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही रहा है हमेशा से। मम्मी ये क्या लाए हो आप, ये क्या चीज़ है आपके हाथ में? ये मेरी बनाई हुई है, ये कैटल थी होट वाली। अच्छा। और ये टूट गई थी, इससे मैंने ये चीज़ बनाई है अपने हाथ से। ये लीव्स ये आपने बनाए हैं? हाँ। ये कैसे बनाए हैं आपने? ये मैंने उससे बनाई है, जो पेंट वेंट में काम आता है ना सबको। अच्छा। फेविकोल वगैरह इन सब से। अच्छा। मेटेरियल से बनाई है, और ये मैंने अपनी बेटी रसना को देने के लिए। ओके। और ये कब बनाई थी आपने, ये तो बताओ, आज आपने अपना खजाना निकाल के लाए हो, ये बनाया कब था ये बताओ। मैंने बना के रखा हुआ, तो मैंने कहा दूंगी, फिर मेरे को शर्म आ रही थी, भाई ये समझेगी पता नहीं क्या दे रहे हैं। नहीं नहीं, जब आपने इतने प्यार से बनाया और खुद बनाया है तो उसकी तो वैल्यू अलग होती है। लेकिन ये बताओ कि आपने ये कब बनाया था, मतलब बनाया था मतलब स्पेशल अब बनाया था तो अब देने का मौका मिला है। ठीक है मम्मी, थैंक यू। और यहाँ पर मम्मी ने भी डेकोरेशन को ज्वाइन कर लिया है। डेकोरेशन के लिए मम्मी यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा जो है वो फ्लावर के साथ यहाँ पर एक हार्ट यहाँ पर रेडी कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही दिल के साथ। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली के लोग आपकी इतनी केयर करते हैं ना, एफर्ट डालते हैं आपके डे के सेलिब्रेशन के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। लड्डू एक्शन करो, एक्शन। तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सदास्ते मुस्काते रहो और लगे रहो। ओके, बिल्कुल लगे रहेंगे। ये हमारी गुड विशेस आपके, आप दोनों भैया एंड भाभी, एंड मिसिंग यू भैया।
सेम ईयर। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अब सभी गेस्ट के जाने के बाद हमने यहाँ पर अपना कुछ फ़ोटोशूट किया मम्मी ने और मैंने मिलकर, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें आप जब चाहें देख सकते हैं, और हमारे लिए तो ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ और भी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब 6 महीने हम एक दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते तो इन्हीं फ़ोटोज़ और इन्हीं वीडियोज़ को देखकर हम अपना टाइम निकालते हैं। जब भी याद आती है एक दूसरे को की तो हम इन्हीं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को देख लेते हैं और हमारा माइंड तब फ्रेश हो जाता है, हिम्मत मिल जाती है फिर से आगे बढ़ने की। और ये यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए शूट हो रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, इसी तरीके के नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जब तक के लिए डू वर्कआउट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।